हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मिनाली एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली दीदी के बर्थडे वाले दिन हम लोग बीच रिजॉर्ट के लिए निकल गए थे और आगे का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो कीप वॉचिंग। क्या हुआ? कैसा लगा यहाँ का खाना? अच्छा लगा। अब बहुत ही पास है हमें रिजॉर्ट से, फिर भी हमने बाहर खाना खा लिया। अब रिजॉर्ट जाके सन के होते होते ही बहुत अच्छी फोटोज क्लिक करेंगे बीच के पास। लेट्स गो। दीदी के लिए केक लेने के लिए रुके हैं कि रिजॉर्ट में जाके केक कट करेंगे। इधर वाला बताओ जल्दी। पर्पल 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 इज माय फेवरेट कलर। पर्पल इज फेवरेट कलर। यस आई लाइक इट टू। रोलर कोस्टर ऑलमोस्ट पहुंच गया। पूरा कितना ऑसम लग रहा है ना, है ना? शूटिंग वाला एरिया लग रहा है। Looking very nice. It's nice environment. Nice baby. It's very pretty property. I'm in love with this property already. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो check in कर रहे हैं और मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, पूरा tour कराऊंगी। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी चलते check in करने के लिए। और वाह, क्योंकि यहाँ कोई जाता नहीं होगा तो पानी साफ है। वेलकम ड्रिंक। चलो गाइस, हम चलते हैं रूम देखने के लिए कि कैसा रूम सेलेक्ट करना है। लेक व्यू या फिर बीच व्यू तो नहीं मिल पाएगा ना, अभी बीच व्यू नहीं मिलेगा। भी है, अगर बीच व्यू अवेलेबल है तो लेक व्यू ले लेंगे हम, कुछ तो करेंगे ही, बट अच्छा रूम लेंगे। बीच भी वैसे ही मुझे थोड़ी थोड़ी पॉन्डिचेरी वाला याद आ रहा है, बीच वो याद है। हाँ, ये पार्क व्यू वाला कॉटेज हमें अभी दिखा रहे हैं। लेक व्यू वाला भी ठीक ही है, बट सी व्यू जो है वो अभी फुल हो चुके हैं सारे, तो वो हमें शायद ही मिल सकता है। तो वैसे तो आई एम जस्ट इन लव विद दिस प्रॉपर्टी ऑलरेडी, अभी तक तो कुछ देखा भी नहीं है स्टिल। ठीक है, मतलब हाँ
अभी तो हम सिर्फ सर्च ही कर रहे हैं कि हमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी चूज करनी है। मेरा व्यू दिखाती हूँ मैं आपको भी, मेरा व्यू क्या है, कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू। एन एक्टिविटी रूम एंड ये आइलैंड टाइप रूम। लुक, मासी भी आ गई। क्रो आना वो उधर। अच्छा, इधर से भी दिख रहा है। कैसे हाँ भी, वो हमें लेक साइड वाला मिला है अभी, और यहाँ से भी हम आके आराम से बीच एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, इधर वाला मिला। एक्साइटेड और शॉन्ट ये ता एक्साइटेड। So guys, so this is our room. I'm very very happy with the property. बहुत अच्छा है, सुंदर एकदम। How do you like it, mummy? Very nice. Very nice. First thing to do when you reach a hotel room. Mummy वैसे भी बहुत tired है। Hi. Jump करवाऊंगी। चलो jump कर दे। Wow. हेलो स्वैन, हेलो, हाय। और चाय वाय पीते हैं, उसके बाद चेंज करके बीच पे जाएंगे। हमें लेक व्यू रूम मिला है, बट वहाँ पे बीच के पास भी बहुत सारे रूम्स हैं, वो अवेलेबल नहीं थे इसलिए हम लोगों ने यही वाला चूज कर लिया। बट आई एम लविंग इट, सच में मेरे को बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे काफी टाइम। हाँ, क्या फ्लावर तो बहुत नहीं कर दी होती है। आपको मैं अच्छी लगती हूँ, किच कर दो फिर। रोज को फ्लावर बोलते। हेलो, 4 कप टी। ओके, थैंक यू। So guys, वॉशरूम में आपको दिखाती हूँ। How is the washroom? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा? What is this? This is shampoo and soap. Guys, the washroom is also nice. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे हर होटल अच्छा लगता है वैसे। But और आपको भी अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर आने वाली है यहाँ पे, आई एम डैम श्योर। तो आई एम जस्ट एक्साइटेड। मैं फटाफट चेंज करती हूँ कि धूप ढलने वाली है। जो मैं ड्रेस लाई हूँ उसमें मुझे 2-3 फोटोज और वीडियोस चाहिए, वो हो जाए बस उसके बाद। तो कल सुबह हमें 12 बजे चेकआउट है, तो इसलिए हेलो 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 अच्छा हो तो हेलो। सो गाइस, आई एम ऑलरेडी, तो मैं ऐसे लगा लेती हूँ बिना पहने, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना मम्मी? अच्छा, ये मेरा आउटफिट है। बीच पे जा रहे हैं हम लोग। मैंने ये वाला गॉगल चूज किया है। मेरे ऊपर वैसे कोई गॉगल सूट नहीं करता, बट स्टिल मैंने ये वाला गॉगल चूज किया है। बीच पे जा रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा ऊंचा स्कर्ट पहन लिया ताकि पैर गीले हो जाएं, पूरा गीला होने की जरूरत ना पड़े। सो लेट्स गो टू द बीच। सन तो ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, इस होप में हम जा रहे हैं बीच पे कि थोड़ी सी शाम ही एंजॉय कर लेंगे, नहीं तो कल सुबह हम लोग बीच पे वैसे भी जाएंगे, नहीं तो पूल में जाएंगे। हाउ प्रिटी इज दिस पार्क। तो गाइस, हम रेडी हैं बीच के लिए, बिल्कुल बीच रेडी। और ये हम अपने आईफोन 14 में बनाएंगे अब वीडियोस, मेरे फोन की पूरी फुल हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, तूने अपने बर्थडे पे हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। हाँ, जीजू ने बुक किया है, बट मैं अभी इतना अच्छा गिफ्ट मिल गया। ये बहुत अच्छा है, है ना? मम्मी को फर्स्ट टाइम चेन्नई अच्छा लगा है। थैंक्स टू वेदर, सबसे बड़ी वेदर। हाँ, यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से साइक्लोन आ रखा था यहाँ पे, लेकिन 2 दिनों के लिए ही
धूप आनी थी बस, धूप प्लस हाँ ठीक है, हमें वही वाली बात है, हमें धूप में फोटोज चाहिए होती है, बट ये मौसम भी ठीक है, ज्यादा धूप होगी तो काले हो जाएंगे, फिर दिल्ली जाके ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ हो गया है, पार्टली क्लाउडेड है। हाय गाइस, हम लेक पे जा रहे हैं, ये देखो ये क्या है पता है, इसको बोलते हैं लाइट हाउस। बस बीच तक आ गए, अभी उठी और बास्केट, ये पूल है, पूल में तो बाद में आएंगे, पर हाई वेव्स हो रही है बहुत ज्यादा। मैं गॉगल लगती हूँ, वो व्हाइट वाले याद है पिछली बार, बट वो अच्छे नहीं लग रहे थे मेरे ऊपर, ये वाले ज्यादा सही लग रहे हैं। पूल तो सही है, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा छोटा नहीं है। व्यू ले रही हूँ, व्यू में आप भी आ रहे हो तो आप भी अच्छे आ रहे हो। वाह, empty hearts and neon lights, they're playing with my mind, gotta get out of here tonight, oh I wanna run now. मम्मी फुल एंजॉय एंजॉय, और ये मार्च शुरू हो गए अपना सैंड में खेलने, वेरी गुड ऑफ यू, लगे रहो। Few moments later. Guys, हम अभी बीच पे हैं और दीदी जी जो पीछे enjoy कर रहे हैं, मैंने उनकी एक दो फोटो क्लिक करी है, वीडियो बनाई है, और मम्मी और ऋषभ वहाँ बैठे अपना इक्विपमेंट के साथ खेल रहे हैं, अभी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हम थोड़ा सा लेट हो गए, शाम हो गई क्योंकि धूप, मम्मी अटक गया, हम थोड़ा सा लेट हो गए, धूप खत्म हो गई है, बट स्टिल वी एंजॉयड, बहुत मजा आया, और कल सुबह भी आ सकते हैं। ज़्यादा हो चुके हैं, 6 o'clock ऑलरेडी हो गए, बट मुझे तो सीरियसली बहुत मजा आया। एक बार पवन पानी भी जाने वाला था, बट मैं तो बहुत डर गई सही में, इसलिए हम जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पीएंगे, डिनर करेंगे, केक कट करेंगे। डिनर करने जा रहे हैं और दीदी का केक कट करने जाएंगे, 9 o'clock, अभी शायद 8:30 हो रहे हैं, आ गए ये लोग शायद, एक सेकंड, कौन है, हाय, डिनर प्लेस, अच्छा वेरी नाइस। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Didi. मजा आ रहा है मम्मी आपको, बिल्कुल सी साइड बैठ के डिनर करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल समुद्र की लहरों के साथ साथ डिनर कर रहे हैं।
बहुत सुंदर लग रहे हो. थैंक यू. एक चीज तो मेरी मिसिंग होगी टॉपिक मेरी तो मेरे फेवरेट गजरे अभी भी नहीं लगे गजरे कार में रह गए. कितना मजा आ रहा है मनु कैसा लग रहा है. बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीलिंग आ रही है. पहली बार सी साइड डिनर कर रहे हैं. मतलब जो लोग गोवा में रहते होंगे तो मौज है सही में. ये चेन्नई है पर जो रेगुलरली गोवा जाते रहते हैं उनको कितना मजा आता होगा. अब तो शिफ्ट हो गए क्योंकि बाल उड़ उड़ के पागल हो गए थे हम लोग. बहुत ज्यादा मम्मी और बाबू के पीछे भाग गई खाने खिलाने के लिए. तो अब हम अंदर खाना खाते हैं उसके बाद में आपसे मिलती हूँ. आज मैं पूरी रात बीच पे बैठने वाली हूँ. Moments later. Guys, I hope you liked this video and if you did, don't forget to like, share and subscribe and do follow me on Instagram and stay tuned for more videos.